नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं टेक्नोलॉजी अप यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है प्रदीप और आज की इस वीडियो में मैं आपको व्हाट्सएप की ऐसी ट्रिक के बारे में बताऊंगा जो आपके काफ़ी काम आ सकती है। जी हां, अगर आप भी व्हाट्सएप चलाते हैं तो ये वीडियो आपके काफ़ी काम आ सकती है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपने व्हाट्सएप पर एक स्टेटस नाम का ऑप्शन देखा होगा। स्टेटस का, जैसे आप देख रहे हैं, चैट का ऑप्शन आ रहा है, स्टेटस आ रहा है, कॉल्स आ रहे हैं। तो स्टेटस में जो ये लोग स्टेटस डालते हैं, आपके फ्रेंड्स डालते हैं, कोई भी जो स्टेटस डालता है उसमें फ़ोटो डालता है या फिर आप फ़ोटो के अलावा वीडियो डालता है, तो आप अगर उनको डाउनलोड करना चाहते हैं अपने मोबाइल में तो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं? क्योंकि आपका मन करता होगा कि यार इसका जो स्टेटस है मैं कॉपी कर लूँ, मैं डाउनलोड कर लूँ अपने मोबाइल में, तो कैसे कर सकते हैं इनको, कैसे सेव कर सकते हैं इनके स्टेटस को, तो इस वीडियो में आपको बताऊँगा। और सबसे खास बात यह है कि बिना किसी सॉफ्टवेयर के, कोई एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, तो सबसे आसान तरीका है जो आप चुटकियों में कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और कंटिन्यू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करके ज़रूर जाना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है? तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इसके लिए सबसे क्या करना है, आपको सबसे पहले अपना व्हाट्सअप ओपन करना है। और जैसे व्हाट्सअप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिल जाएंगे, चैट का, स्टेटस का, कॉल का। तो हम बात कर रहे थे स्टेटस का, कि जो लोग स्टेटस डालते हैं अपना, स्टेटस में कोई फ़ोटो डालते हैं, वीडियो डालते हैं, उनको कैसे डाउनलोड करें। तो मैं आपको बताऊंगा कि बिना किसी सॉफ्टवेयर के आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे आप स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको रीसेंट अपडेट्स दिखा देगा, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस भी फ्रेंड का आपको स्टेटस डाउनलोड करना है तो उसको प्रेस करना है, पहले तो उसको देखना है कम्प्लीट। तो मैंने सबसे पहले इसको प्रेस किया तो यहाँ पर इन्होंने, ये स्टेटस है इसका, ठीक है? तो ये बाइक है, ठीक है? अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसके अलावा एक और देख लीजिए, ये स्टेटस है, ठीक है? तो ये मैंने तीन चार स्टेटस आपके सामने देख लिए। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इनके स्टेटस, अगर यहाँ पे वीडियो रहेगी तो वीडियो भी डाउनलोड हो जाएगी। तो ये मैंने स्टेटस आपको सामने देखा, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इनको डाउनलोड कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं फ़ोटो को और वीडियो को, कोई भी फ़ोटो या वीडियो है तो, ठीक है? तो अब क्या करना है आपको, आपको देख लेना है कि भाई अब जो स्टेटस आपने देख लिया, या नीचे देखिए व्यू अपडेट्स, व्यू मतलब ये जो है आपने देख लिया है, अब नीचे दिखा रहा है कि ये आपने स्टेटस देख लिया, ठीक है? अब आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल के मेन मेन्यू में जाना है और वहाँ पे जो माई फाइल का, जो ऑप्शन होता है माई फाइल का, उस पर प्रेस करना है। उसको प्रेस करने के बाद अगर आपने पासवर्ड डाल रखा, जो जैसे भी आप ओपन करते हैं ओपन कर लीजिए। उसके बाद आपको वहाँ पे स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा, इंटरनल स्टोरेज और एसडी कार्ड। तो आपको इंटरनल स्टोरेज पे जाना है, और जैसे इंटरनल स्टोरेज पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक फोल्डर व्हाट्सएप का, ठीक है? तो जैसे व्हाट्सएप पे जाएंगे और यहाँ पे मीडिया के अंदर जाएंगे, व्हाट्सएप के अंदर मीडिया, और मीडिया के अंदर यहाँ पे देखिए काफ़ी सारी फोल्डर मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट साइड में आपको तीन लाइन मिलेंगी, इन पर प्रेस करके सेटिंग जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर शो हिडन फाइल्स मिलेगा, या मेरे मोबाइल में इस तरह से आ रहा है, बाकी आपके मोबाइल में कुछ अलग तरह से आएगा, बाकी हर मोबाइल में आपको ये ऑप्शन मिलेगा शो हिडन फाइल्स। इस पर चेक कर देना है इसको, ठीक है? अब ये ऑन हो गया है, मतलब पहले ऑफ था, ये ऑन हो गया है। अब आपको जैसे ही इसको ऑन करेंगे तो सबसे ऊपर व्हाट्सएप के अंदर मीडिया फोल्डर, मैं दिखा देता हूँ दोबारा से एक बार दिखा देता हूँ, इंटरनल स्टोरेज, और यहाँ पर व्हाट्सएप, सबसे नीचे ये है व्हाट्सएप, और यहाँ पे मीडिया, और ये देखिए स्टेटस आ रहा है। तो इस पर आपको प्रेस करना है, और जैसे प्रेस करेंगे तो जो आपने स्टेटस देखा था वो यहाँ पे दिखा देगा। जैसे देखिए, ये देखिए, ये फ़ोटो हमने देखी थी, इसको गैलरी में ओपन कर लेता हूँ मैं, ये फ़ोटो देखी थी, ठीक है? इसके अलावा हमने ये भी फ़ोटो देखी थी, तो इनको आप कॉपी कर सकते हैं। ये फ़ोटो तो हमने देखी थी, ठीक है? देखिए सारा स्टेटस, ये देखिए, ये फ़ोटो हमने देखी थी। तो इस तरह से अगर आपको ये यहाँ पे मिलेगा, इसको आप प्रेस करके थोड़ा सा, और यहाँ पे ऑप्शन में जाके कॉपी या मूव कर सकते हैं आपके जो पर्सनल, जो भी फोल्डर में आप में करना चाहते हैं। तो इस तरह से आप किसी का भी व्हाट्सएप स्टेटस की जो फ़ोटो हैं, वीडियो हैं, वो देख सकते हैं, मतलब डाउनलोड कर सकते हैं बिना किसी सॉफ्टवेयर के। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, और आपके कॉमेंट का इंतज़ार रहेगा। कमेंट में बताइए कि ये ट्रिक आपको कैसे लगी व्हाट्सएप की, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो के ठीक नीचे आपको रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, उसको दबा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।